गाइस व्हाट्स अप, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन क्लासिक 30 के मीटर कंसोल के बारे में। बहुत से भाई हैं जो कमेंट में बोल रहे थे कि मीटर के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाओ, क्या क्या इसके मीटर के अंदर फीचर्स हैं, क्या क्या हमें डिजिटल मीटर में देखने को मिलता है। तो भाई डिजिटल मीटर नहीं आया है इसके, पहली बात तो इसके अंदर मीटर तो एनालॉग ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। MID आ गई इसके अंदर, ठीक है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हम इसको बोलते हैं। इसमें थोड़े बहुत फीचर्स हम आपको बता दूंगा। तो जैसे हम ऑन करते हैं इसको, यहाँ पे देखो ऑन कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने देखा ये बैटरी की लाइट आ रही है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि अभी बैटरी पे है बाइक, ठीक है। ये ABS की चेक लाइट है और ये फ्यूल का है, ठीक है। फ्यूल लो हो गया मतलब इस चीज़ का इंडिकेशन है ये। यहाँ पे न्यूट्रल लाइट भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑन करेंगे ना हम थोड़ा सा बाइक को, तो यहाँ पर न्यूट्रल लाइट भी ब्लिंक करने लग जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे पास के लिए है, यहाँ पे जो स्विच है ना ये पास, इसमें एक पास हेडलाइट लेवल के लिए, इंडिकेटर के लिए। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, लेफ्ट इंडिकेटर दिया तो लेफ्ट चलने लग गया, राइट इंडिकेटर दिया तो राइट चलने लग गया, ठीक है। ये तो ऊपर की, ये इंजन चेक लाइट है जैसे, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये ABS की लाइट है, मैं इसको जैसे ऑन कर दूंगा ना, तो ये पास में जैसे ही दूंगा जैसे यहाँ पे देखो ये तो सारी लाइट्स होती है, ठीक है। अब इसको बंद कर देते हैं, ये तो इन सभी लाइट्स का हो गया। अभी मैं मीटर दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये मीटर देखो कैसे जा रहा है, बहुत ही कूल लगता है भाई ये। दोबारा दिखाता हूँ, ये देखो कितना अच्छा लगता है जब ऊपर जाता है। इसमें स्पीड दी हुई है ये 0 to 160, ये किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, और ये दूसरी माइल पर आवर में दी हुई है। तो 100 माइल पर आवर इसकी टॉप स्पीड है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये ऑन ऑफ, और यहाँ पे आपका हैंडल जो है वो लॉक हो जाता है पूरे प्रेस करके, ठीक है। यहाँ पे आपको अभी इसके अंदर एक्सेसरी आप लगा सकते हो, ट्रिपल नेविगेशन को बोलते हैं। इसके अंदर आप GPS वगैरह लगा सकते हो मैप के लिए, जो इंडिकेट करता है आपको, ठीक है। नेविगेशन सिस्टम वो आपका 5-6 हज़ार रुपये का पड़ता है विद इंस्टॉलेशन, तो वहाँ पे आप एज एन एसेसरी उसको लगवा सकते हो। यहाँ पे जो MID दी हुई है, इसमें आप ऊपर देख पा रहे होगी ये ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फ्यूल मीटर ऊपर जो देख रहे हो ना अभी, जो फ्यूल जितना भरता जाएगा एक ब्लैक होते जाएंगे डॉट्स, तो ये फ्यूल मीटर दिया हुआ बाइक के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे नीचे MID दी हुई है, जिसके अंदर टाइम दिया हुआ है, ये देख रहे हो आप 3:09 PM, ठीक है। और ये ओडोमीटर है कि बाइक कितनी किलोमीटर चली है टोटल, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिप वन आप इसको रीसेट कर सकते हो, इसको प्रेस करके रखोगे, ठीक है, तो ये आपका रीसेट भी हो जाएगा। जैसे मैंने रीसेट कर दिया इसको, ये है हमारी ट्रिप टू, हम इसको भी रीसेट कर सकते हैं। इस बटन से हम इसको कंट्रोल करते हैं पूरी MID को। जैसे अभी देखो इतना है, अभी मैं इसको रीसेट कर दूंगा, देखो इसको प्रेस करके, अभी प्रेस नहीं किया, इसको प्रेस करके रखूँगा, हमारी ट्रिप टू भी जो है कुछ सेकंड में जो है वो रीसेट हो जाएगी, जैसे जीरो हो गई, ठीक है। और यहाँ से ओडोमीटर हो गया, ट्रिप एफ है मतलब कि फ्यूल ख़त्म होने वाला है, ट्रिप एफ पे ये दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम दिखाएगा, तो ये इस MID के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ओके। सारी मैंने इंडिकेशन, सारी लाइट्स वगैरह के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये सब कुछ है इसके अंदर। तो ये था मीटर कंसोल नेक्स्ट जनरेशन क्लासिक 350 का। बहुत से भाई हैं जो कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि आप नेक्स्ट जनरेशन क्लासिक के ऊपर वीडियो बनाओ, मीटर कंसोल के ऊपर स्पेशली, कि मैंने बता दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।